गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपने लास्ट पीरियड वाला अपना वर्क कर लिया होगा आर्ट एंड क्राफ्ट का। आज मैं आपको न्यू वर्क कराने जा रही हूँ, पीपल लीफ ऑन अ पेंटिंग। ये देखिए पीपल लीफ है, मैंने ग्रीन लीफ ली थी जिसे फिर अपनी बुक वगैरह में रख के धूप में रख दिया था। ये पूरी तो ड्राई नहीं हुई है, जब ये पूरी सूख जाती है तो इसकी जालियाँ सी निकल आती हैं जो कि इसमें नहीं निकली। तो कोई बात नहीं, हम इसी पे बनाएंगे, आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा। दो तीन पीपल लीफ ले आइएगा और अपनी बुक में रख के या न्यूज़पेपर में रख के धूप में रख दीजिएगा, किसी ईंट या पत्थर से दबा के। ओके, करीबन 5-6 दिन बाद जब आप देखेंगे तो ये इसका कलर ब्राउन में आ जाएगा ग्रीन की बजाय। ओके, मेरी अभी ग्रीन है, कोई नहीं, मुझे आपको दिखाना है ये करके। मैं इसके लिए आपको पीपल लीफ चाहिए, ब्रशेस, कलर ट्रे एंड एक्रेलिक कलर। ओके, एक्रेलिक कलर चाहिए आपको। और आप कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं बना आपको बना के दिखा रही हूँ सीनरी या कुछ भी, इसके अलावा आप और भी कुछ इसके ऊपर बना सकते हैं, पर वर्क आपको ये करना है। ओके, हम स्टार्ट करेंगे। मैं एक सीनरी क्रिएट करने जा रही हूँ, इसके लिए हम ब्रश 0 या 2 नंबर का लेंगे राउंड। एक वेस्ट क्लॉथ जरूर पास में रखिएगा अपने, वाटर कंटेनर। इसमें पानी की मात्रा, वाटर क्वांटिटी मिनिमम होनी चाहिए, बहुत ही रेयर। ओके, इसमें प्योर आपका कलर ही वर्क करेगा। जीरो नंबर ब्रश यूज करेंगे। बहुत ही हाथ संभाल के काम करना, केयरफुली आपको। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपको कोई और सीनरी क्रिएट करनी है और कीजिए। किसी गॉड की आपको बनानी है तो गॉड की पिक बनाइए, क्लासिकल कुछ करना है क्लासिकल कीजिए। ओके, कलर थोड़ा थिक होना चाहिए।
इसका थोड़ा रेड कलर यूज़ करेंगे। मैं नीचे वाला बेस देते हैं पहले येलो से। पूरा येलो का बेस करेंगे इसको। इसे पोस्टर कलर से या वाटर कलर से नहीं करेंगे आप, एक्रेलिक कलर ही यूज करेंगे आप। ये नीचे वाला पूरा ब्लैक से इसको करना है आपको, को ब्लैक कलर से। कलर आपको एक्रेलिक ही यूज़ करने हैं। ठीक, ये ब्लैक बेस हो गया इसका नीचे वाला। यस, येलो। मैंने फैन नहीं चला रखा इसलिए ड्राई नहीं हो पा रहा, सूख नहीं पा रहा है, टाइम ले रहा है। ओके, अब हम रेड कलर लेंगे। थोड़ा ऑरेंज कलर,
ओके। व्हाइट कलर से मून शो करेंगे, व्हाइट कलर से मून चंदा। वो जो हमारी हट है इसमें नीचे से ऊपर शेड देंगे। हल्का सा ब्लू कलर लेना है। इतना हुआ ये। उसके बाद फिर हम ब्लैक कलर से वन ट्री सेकेंड ट्री, ओके। सेम सेकंड वाले में भी करेंगे हम।
ड्राई ब्रश से इसकी पत्तियां शो कर देंगे, लीव्स। ट्रिबल हो गया। अब हम इसमें बोट नाव भी जरा कर देते हैं। नाव को भी उठाना है इसमें। मैं नाविक को बिठाएंगे। ये नाभिक बैठा है, ओके। इसमें इसके हाथ में चप्पू, जिससे वो बोट को, नाव को आगे बढ़ाता है ना, देखते ही होंगे आप सब। पास ब्रश बेटा 0 नंबर का है नहीं, इसीलिए मोटा मोटा बन रहा है। जैसे बाकी जो है ग्रास वगैरह भी हम शो करेंगे इसमें। फ्लैट ब्रश ले लेंगे एक आप अपना, या तो राउंड ही ले लीजिए। पहले डार्क ग्रीन, ब्लैक हम बेस ले चुके हैं। इसके बाद लाइट ग्रीन यूज करेंगे।
ओके देखिए ओके उसके बाद हम जो है कोकोनट में ट्री में कोकोनट लगा देंगे ओके स्मॉल स्मॉल से के बाद जब कंप्लीट हो जाएगी इसमें आप और वर्क करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैंने एक कंप्लीट करके रखी हुई है, जब आप ही कंप्लीट हो जाएगी ये तो उसके बाद आप इसे ये देखिए ब्लैक पेस्टल शीट पे आपको पेस्ट करनी है, लीव ब्लैक पेस्टल शीट पर पेस्ट करनी है। ये देखिए ये पहले की है और ये मैंने अभी बनाई है, इस तरीके से आप इसे पेस्ट कर लेंगे ओके। इसे कंप्लीट करना है वर्क को आपने स्टूडेंट ओके। चलिए बाकी जितना रह गया आप अपनी तरफ से कर लीजिएगा ओके स्टूडेंट्स।